जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारे रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स। उनके आने वाली लव लाइफ, आने वाली जिंदगी, फ्यूचर, व्यवसाय, बिजनेस या स्टडी करने वाले मेरे हम उम्र साथी, उन सभी को हमारी तरफ से और हमारे महादेव जी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम इस जगह पे वापस आ चुके हैं। वापस आने की एक वजह है और उस वजह के बारे में मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद जो भी बात है यहाँ की वो आपको सुनील भाई बताएंगे। यहाँ पे सुनील भाई ने मुझे कहा, कल रात को हम लोकेशन विजिट करके आए थे और उसके बाद में सुनील भाई का कॉल आता है मुझे अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे कॉल आ जाता है कि दुनिया भाई मेरे को सपना आया कोई, और उस सपने में मुझे ऐसा गुस्सा नजर आया है। तो एक बार उस सपने को सुनील भाई एक्सप्लेन करेंगे इनको, क्या नजर आया था सपने में। अमूमन सपने भूल जाया करता है इंसान, लेकिन ये सपना सुनील भाई को याद था सुबह, और उठते ही इन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल किया। सुनील भाई क्या हुआ था? आप सूर्य भाई जब अपन कल लोकेशन विजिट करके आए ना, हाँ, फिर आया आराम से, मैं सोया, सोने के बाद में मेरे को रात को मतलब अजीब सा सपना आया, और सपने में मतलब ऐसा दिखा कि कोई रेस्टोरेंट है, उसमें कोई एक औरत है और उसके साथ में मतलब उल्टे सीधे काम हो रहे, कोई 3-4 बंदे हैं जो उसके साथ में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और उसके बाद में भाई उसको मौत के घाट उतार दिया। और तो मुझे यही लगा कि ये लोकेशन होनी चाहिए वो। सपने में कुछ क्लियर याद है क्या कुछ आपको? ये लोकेशन आपको बताओ तो हमने विजिट करी भी पहले, हमने साथ में करी, तभी तो मैंने बोला था सुबह तुझे फोन करके कि भाई ऐसी ऐसी चीज हुई, तो इसलिए तो आज वापस मैंने ही तो कहा था कि वहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं भाई कि ऐसा कुछ अभी भी ऐसा होता है या जो भी है। और इससे पहले भी इंसिडेंट हो रखे हैं, पर आपको सपना क्यों आया ये बहुत बड़ी बात है सोचने वाली। ये तो मुझे नहीं पता यार, मैंने तो रात को मतलब लोकेशन विजिट करने के बाद में जाके सोया, और मेरे को ऐसे और है ना, मेरे को वैसे सपने वैसे कोई याद नहीं रहता, हर इंसान को नहीं रहता, बट ये जो चीज हुई ना मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ऐसी चीज। तो भाई सच बताऊ, आज हम पर्सनली खुद हमारे लिए चल करके इस लोकेशन पे आए, इसलिए तो मैंने बोला था साथ में चले भाई, एक बार देख के वापस चले, शायद कुछ बाकी हो यहाँ का रह गया हो, ऐसी चीजें होती है ना यहाँ पे ना, कुछ हर बार कुछ अलग होता है, आपको पता हो सुनील भाई तुम्हारे साथ। हाँ हर बार अलग ही, मतलब पहले कुछ अलग होता था, अब थोड़ा अलग सा कुछ होता है यहाँ पे। और ये जो इंसिडेंट यहाँ घटा था वो तो कोविड का, कोविड-19 जब जो घरों में बंद हुआ करते थे और एक ये गांव से और शहर से दूर सिर्फ एक ये रेस्टोरेंट था जो ओपन रहता था रात को लेट नाइट तक। भाई साहब दिक्कतें बहुत ज्यादा। सुनील भाई को ये सपना आया कि क्यों आया ये जानने के लिए हम इस जगह पे आए हैं। हम दोनों भाई है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। रात का वक्त हो रहा है, लगभग 12:19 बाकी है, लगभग 19 बाकी है। तो हम जो है अभी चलते हैं लोकेशन की तरफ और कोशिश करेंगे 12 से पहले पहले यहाँ से निकल जाए, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। वैसे भी रात को जाते हुए बहुत लेट हो जाते हैं यार, वो कभी 3 है कभी 4 है सुबह की यार। तो ये क्या है देखना एक बार, मेल है कि फीमेल का है पता नहीं, इसमें इधर भी कपड़ा है, पता नहीं किसी के कपड़े लगता है, पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आ रहा भाई। हम अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। हम हमारे लिए पर्सनली एक लोकेशन विजिट कर रहे हैं, हमारे खुद के लिए, ये हमारे साथ ये क्यों हुआ वही चीज वहाँ पे जाके देखना है, वही चीज वहाँ नोटिस करना हुआ क्या, क्या हो सकता है। तो सुनील अगर ये रूहे या ये इंसिडेंट आपके सपने में आया, इट मीन्स आपसे कुछ कहना चाहते हो ये तो इसलिए तो यहाँ आए भाई, मेरे को
जो दिखा है ना वो मैं बहुत अजीब सा दिखा था यार, कोई रो रही है मतलब, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसी चीजें बहुत, पता नहीं ऐसा भाई मेरे को अभी बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसी चीजें दिखी है मेरे को यार भाई। ये जो चीजें होती है ना जब बंदे के साथ में, तब वाकई में इन चीजों का एहसास जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है सच में, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन सारी चीजों को। हम जब कभी भी लोकेशन जाते हैं तो वो कोई ना कोई पर्सन या तो हमें बुलाता है या आप लोगों की डिमांड होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम लगभग 4 सालों में हम, ये पहली वीडियो होगी या पहली एक लोकेशन होगी जिसपे हम खुद से जा रहे हैं, हमारे साथ में कुछ हुआ है ऐसा उसकी वजह से, तो ये चीज थोड़ा सोचने वाली रहेगी, देखने वाली रहेगी। हम जो है यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। रेस्टोरेंट सेम जो मुझे दिखा रहा ना मैडम, वो सेम यही यहाँ पे अगर कुछ घटा है हमारे लास्ट टाइम आने के बाद, वो अभी नोटिस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और सुनील भाई को जो सपना है, हो सकता है सुनील भाई से कुछ कहना चाहती हो ये रूहें जो यहाँ पे हैं, क्योंकि इस जगह पे उस औरत ने इस रेस्टोरेंट को काफी दिनों बाद शुरू किया था, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से, और उसके बाद उनको ये शुरू करना इतना भारी पड़ गया कि उनकी जान तक चली गई इस जगह पे। ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट शराबी लोग थे, एक ने रोकना चाहा और दूसरे ने उस चीज को करना चाहा, लेकिन लास्ट में फिर तीनों लोग उसी चीज में शामिल हो गए, इंक्लूड हो गए, और उसके बाद उस औरत की दर्दनाक कह सकते हो आप हत्या कर दी गई। उसके दोनों हाथ जलते तवे पे ऐसे रख दिए गए, जो जिन हाथों से उस औरत ने उन्हें खाना परोसा था उन्हीं हाथों को उस तवे पे रख दिया गया। असहनीय से पीड़ा होती है जब ये सारे कृत्य होते हैं। हम लोकेशन विजिट करेंगे, वह क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। अरे सुनील भाई ध्यान से, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ कुछ होना है ऐसा, बस ध्यान से। जितना सुनील भाई आपको सपने में नजर आया उन सारी चीजों को कुछ अलग सा था, तो सेम जो हमने देखा वैसा ही था, जो अपन ने पहले विजिट करा था देखा था ना वैसा ही कुछ नजर आया था। मैं इतना सा कहूंगा सुनील भाई, आप थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना और ज्यादा एक्टिव रहना, हो सकता है कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जिसकी वजह से हम कुछ कर पाए यहाँ पे, ध्यान रखना। सुनाओ कि वो सपने में आई हुई चीजें कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ गलत कर दे या हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। एक एक चीज वैसी ही है जैसी शायद हम छोड़ के गए थे पहले, आला लगा हुआ है बहुत बुरी कंडीशन है। एक्सप्लोर करेंगे, और मैं लास्ट टाइम जब सुनील इस जगह पे आया था ना तब एक चीज थी, ये जो आप नोटिस कर रहे हो ना धागा बांधा हुआ, धागा हाँ ये धागा तो अपना ही बांधा हुआ, शायद हमने ही बांधा था एक बार हम आया थे जो रूम नंबर 5। एक बहुत बड़ा चैनल है, लगभग 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है उस चैनल में, और उन्होंने वो आर से बाहर की कंट्री से उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी थी रूम नंबर 5, तो आप जाकर के देख लेना, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के एक बार जरूर देखना। बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे, लास्ट वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, अभी है यहाँ पे
क्या कोई है? कोई नहीं है भाई, अंदर से वापस पुश कर रहा है कोई। पीछे करना कैमरा इसके, अभी भी तो रुका हुआ है, अभी भी तो रुका हुआ है। उस टाइम में कोई पुश कर रहा था इसको अंदर से, तो अभी कैसे रुक गया यार ये? पता नहीं भाई, यहाँ की मिस्ट्री अलग है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम उस टाइम में ऐसे लग रहा था पुश कर रहे हैं अंदर से वापस इसको, अंदर आ जाओ, बाहर आ जाओ, सॉरी। भाई ये सुने सुने, क्या हुआ? दरवाजा अंदर से इसको बंद हुआ है क्या? अभी अंदर से पूरा देख के आए ना? हाँ। आपने खींचा था क्या इस दरवाजे को बंद करने के लिए? नहीं नहीं मैं क्यों खींचूंगा यार, यही फिर से बंद हुआ है अचानक। आप जब यहाँ आ गए थे ना, हाँ, उसके बाद वहां से हिलना स्टार्ट किया इस दरवाजे ने और यहाँ तक आके रुक गया। देखिए आप यहाँ पे हो तो हम सिर्फ इतना सा जानना चाहते हैं कि आप सुनील के सपने में क्यों आए? क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हो? क्या आप हमारे जरिए कुछ मदद चाहते हो? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या सपने में आने का मतलब आप मदद चाहते हो? अगर आप मदद चाहते हो तो मैं इस दरवाजे को खोलना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप हमारे सामने हो। अगर ये सामने हुई तो सुनील ये समझ लेना कि ये सपने के जरिए हो सकता है मदद चाहती हूँ। हो सकता, क्योंकि रूह को भी परेशानी होती है। मुझे भी ये लगा था कि ये मदद के लिए ऐसा कुछ हुआ है। ओपन करते हैं डोर, ठीक है? जय श्री माता। भाई है सामने, सामने है। लगी तो नहीं ना? लगी नहीं मेरे भाई, है वो सामने। भाई वो मदद मांगना चाहती है तो भाई डरो मत यार सूर्या। क्या यार, यार मतलब उस दरवाजे में कुछ, और दरवाजा भी है भाई, एज इट इज खड़ा है। उस दरवाजे में मूवमेंट हो रहा है, दो नंबर वाले में। ओ इस आपके पीछे वाले में भी मूवमेंट हो रहा है, पीछे पीछे दरवाजे में, उस वाले में भी हो रहा है। भाई, भाई। है? आप अंदर हो एकदम से चीजें, कोई और भी है क्या? तो? कोई और भी है क्या आसपास? नजर तो नहीं आ रहा है। इस रूम में कुछ गड़बड़ है, मुझे वो सामने भी आई है और अब वापस से गायब हो चुकी है। देखिए आप अगर हमसे मदद चाहते हो तो हम जो है आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए यहाँ है, बिल्कुल हाँ, आपके लिए बस यहाँ है। ये फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? अगर फिर से सामने हुई
जब फिर से सामने हुई तो श्री माता जी। ओ भाई नहीं है यार, सूर्य नहीं है। क्या हुआ? ये क्या यार यहाँ पे? कोई है? मेरी बात सुनो। हाँ, इस दरवाजे में अपने आप से मूवमेंट हो रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर रहे हो इन बातों? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें समझना होगा। दरवाजे में मूवमेंट्स हो रहे हैं। मैं इस दरवाजे को खोलना चाहता हूँ। भाई है वो, भाई है, भाई है, भाई और भी कोई है यार, ऐसा लग रहा है मेरे को बार बार। वो मैंने सुनील, आपने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया, उसने शायद हाथ इस तरह से कर रखे थे या इस तरह से कर रखे। मदद के लिए? हाँ, मदद चाह रही है वो। हो सकता है इस तरह से हाथ कर रखे थे या इस तरह से, मुझे क्लियर नहीं पता। उसके हाथ इस तरह से थे शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। उसको मदद चाहिए भाई, मुक्ति चाहिए इनको। या ऐसा तो नहीं कि कोई और प्रेत या कोई और रूप इस जगह प्रवास करना चाहती हूँ? मेरे को लग रहा है है। ऐसा तो नहीं कि कोई और रूह यहाँ पे वास करना चाहती हूँ? हो सकता है भाई। सूर्य अंदर से आवाज आ रही है। क्या हो रहा है यार? आप जाओ अंदर। सबसे पहले दरवाजे के पीछे कैमरा करो। क्या कोई है? यार कोई नहीं है भाई। सूर्य कोई भी नहीं है भाई। भाई ऐसा कोई नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्या हो सकता है? वो ये तो श्योर है कि वो मदद चाहती है, मुझे श्योर है। अब हम किस तरह से या किस तरह की वो मदद चाहती है, वो मुक्ति चाहती है या किसी तरह से परेशान है, ये जानना जरूरी है। वापस बंद हो गया यार ये। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। दरवाजे में अंदर करोगे हम लोग? यही से करो अंदर में जा। हाँ यही से करो पीछे। अरे कोई नहीं है यार। दो नंबर में रेस्टोरेंट का रूम नंबर 2
हरकत कर रहा है किसी तरह की। तो कुछ है इसके अंदर? अरे मेरे को एक चीज समझनी है, या फिर गुरुदेव के पास चले, इन सारी चीजों को क्विट करते हैं और अभी गुरुदेव के पास चलते हैं। चलो इसमें क्या मूवमेंट होगा? वो सामने है और निकल है। अभी गुरुदेव के पास चलो, रात रात चलेंगे, कल सुबह वापस आएंगे। नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। और गुरुदेव से पूछ के चीजें करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे, गुरुदेव के पास आनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीजें हो रही है ना वो पीछे नहीं छोड़ने वाली। कुछ ना कुछ तो दिखती है। यहाँ पे घुसपैठ हो रही है, तो रूह एक साथ लड़ रही है भाई, तो रूहों के साथ में कुछ हो रहा है। काली जी शैडो थी उसे तो भाई, काली जी शैडो थी, तुझे तेरी कसम भाई। ये क्या हो रहा है भाई? मैंने आंखों से देखा था यार,